नमस्कार दोस्तों, दोस्तों सबने आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, वीडियो किसके ऊपर बनने वाली है। आज दोस्तों आपको सबको पता होगा क्या है, संडे, आज रविवार है और संडे के दिन दोस्तों मैं संडे कमेंट बॉक्स लेकर आता हूं, जिसके अंदर दोस्तों जितने भी आपने कमेंट किए थे उन कमेंटों का जवाब देने वाला हूं। तो आज भारी है दोस्तों दिल्ली पुलिस के कमेंटों की, दिल्ली पुलिस से संबंधित जो भी ज्यादातर बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया था सभी कमेंटों का जवाब मिलने वाला है। जो भी आपने कमेंट किया था उन कमेंटों को दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पर यहां पर दिखाऊंगा और उसका मैं जवाब देने वाला हूं। इसके अलावा जिस बच्चे ने कमेंट किया है उसका नाम भी लेने वाला हूं। यदि आपका दोस्तों कोई डाउट है और आप भी अपना नाम चैनल पे बुलवाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों अभी कोई भी डाउट हो उस डाउट को इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिख देना, जल्दी से जल्दी दोस्तों रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और चैनल पे यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सीधे चलता हूं टॉपिक के ऊपर, पर पहला कमेंट ले लेता हूं। पहला कमेंट किसका है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहला कमेंट है नेहा का। ये क्या बोल रही है, सर मेरी हाइट 152 सेंटीमीटर है, क्या मुझे दौड़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो नेहा मैं आपको बता दूं, यदि आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है और मांगे कितनी गई है 157 सेंटीमीटर, तो मैं आपको बता दूं आपको दौड़ नहीं करनी चाहिए। यदि आपके दोस्तों हाइट कम है, सबको बता रहा हूँ, यदि हाइट यदि बिल्कुल फिक्स है ना तब तो आपको दौड़ करनी चाहिए, तब तो आपको फिजिकली तैयारी करनी चाहिए। लेकिन हाइट आपकी बहुत कम है, जितनी मांगी गई है उससे बहुत कम है, तो आपको अदर जो भी वैकेंसी है जिसमें हाइट नहीं मांगी जाती है उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप अपना समय यहाँ पर बर्बाद मत करो। यदि आप फिजिकली तैयारी करती है नेहा, यदि आप रनिंग करती है, दौड़ करती है और अंतिम में दोस्तों वहाँ पर आपको हाइट में बाहर कर देंगे, तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा इतनी मेहनत करे उसको अंतिम रूप से बाहर कर दे। यदि आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है, जितनी मांगी गई है उससे बहुत कम है, तो आपको दौड़ नहीं करनी चाहिए, आपको अदर वैकेंसी जो भी इसकी आप तैयारी करना चाहते हो उसकी तैयारी करनी चाहिए। दूसरा कमेंट मैं पढ़ लेता हूं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। दूसरा कमेंट है राहुल का, ये क्या बोल रहा है, सर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट 2019 का है, चलेगा या नहीं चलेगा? तो राहुल मैं आपको बता दूं, यदि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट सेंटर का है और 2019 का है तो वो बिल्कुल चलने वाला है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिख रहा है जिस टाइम फॉर्म भरवा आया था उससे पहले का होना चाहिए। तो दोस्तों आपका 2019 का है तो वो चलेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, 2019 का यदि आपके पास है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको फिजिकल की जमकर तैयारी करनी चाहिए। आगे चलता हूँ, तीसरा कमेंट होगा संगीत गुरु का। संगीत गुरु बोल रहे हैं, सर मेरे ओबीसी से 72 नंबर है, फाइनल हो जाएगा क्या? तो संगीत गुरु मैं आपको बता दूं, आपके बहुत अच्छे नंबर है, 72 नंबर बहुत अच्छे हैं, आपने यदि दौड़ करी, यदि फिजिकल कंप्लीट कर लिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, आपका बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है, 72 नंबर कम नहीं है। और मैं सभी से यही की बात बोलना चाहता हूँ जो मेरे पास कमेंट करते हैं बार बार कि मेरे एक नंबर ज्यादा है, मेरे दो नंबर ज्यादा है, यदि आपके दो तीन नंबर ज्यादा है तब आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, यदि एक या दो नंबर ज्यादा है, याद रखना कट ऑफ से एक या दो नंबर ज्यादा है मेल के, तो उसको क्या करनी चाहिए, फिजिकल की तैयारी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करनी चाहिए। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारना, पढ़ाई भी जारी रखना, जिसके एक दो नंबर ज्यादा है ना वो बच्चा पढ़ाई भी जारी रखना, फीमेल की नहीं बता रहा मैं, मेल की बता रहा हूं, फीमेल के यदि एक दो नंबर ज्यादा भी है तब भी उसको क्या करनी है, फिजिकल की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको सबको पता होगा कई बार क्या हुआ था वही हाल आपकी बार होने वाला है, गई बार बरसात हुई थी आपकी बार भी बरसात होने वाली है, गई बार धूप पड़ी थी आपकी बार भी धूप पड़ने वाली है, वही यूं का यूं हाल होने वाला है, वही 85% मेल और 90% फीमेल फिजिकल में फेल होने वाली है, इसलिए बोल रहा हूं फिजिकल की तैयारी जारी रखो। और जो मेरे पास कमेंट किया था संगीत गुरु ने, वो किया था कि मेरे तो 72 नंबर है, तो 72 नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं है। आगे चलता हूं, अगला कमेंट है रामजी लाल का, ये बोल रहा है सर दौड़ नहीं हो पा रही। तो मैं आपको बता दूं रामजी लाल, ज्यादातर बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि उनकी दौड़ नहीं हो पा रही है, जितनी मिनट मांगी गई है नोटिफिकेशन में, जितनी मिनट दे रखी है उतनी मिनट में उन पे दौड़ नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी है, अभी फिजिकल नहीं हो रही, आपको सबको पता है जुलाई के महीने में फिजिकल होंगे, तो अभी आपके पास समय है, आराम से फिजिकल की तैयारी करो, आराम से रोजाना की रोजाना 1600 मीटर दौड़ करो, ठीक है, 1600 से नीचे मत करना, 1600 से ऊपर ही करना, और यदि आपके सांस बढ़ता है पैरों में
में दर्द होता है तब भी आपको नहीं रुकना है। आपसे ऐसे नहीं बोल रहा कि बहुत तेज भागो, यदि आपके सांस बढ़ता है तो धीरे पड़ जाओ, लेकिन आपको पूरी 1600 मीटर करनी है और आपको हार नहीं माननी, ठीक है। आपके यदि अच्छे खासे नंबर है और यदि आपने पेपर पास किया है तो अब आपका कर्म है फिजिकल की तैयारी करना, दौड़ करना, तो दौड़ जारी रखो, ठीक है। कोई कुछ भी बोले, किसी पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको रनिंग करनी है, आपकी आराम से दौड़ क्लियर हो जाएगी। दौड़ करने में दोस्तों सांस भरने की प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चों में होती है, मैं भी मानता हूं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, सांस सबके भरता है, कंट्रोल करना आना चाहिए और नेगेटिव बातें आपको नहीं सोचनी है। दौड़ करते टाइम ज्यादातर बच्चे नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव का मतलब यह है उल्टी सीधी दिमाग के अंदर ख्याल आने लग जाते हैं, ठीक है, उस कारण से बच्चा रुक जाता है। तो पॉजिटिव सोचना है, मैं हर वीडियो में यही बताता हूं, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव का मतलब है अपने माता पिता के बारे में सोचो, और जो आपसे बोलते हैं ना तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अभी तक तेरी नौकरी लगी नहीं तो अब लगेगी भी नहीं, ऐसे लोगों को जवाब देना है और वर्दी पहननी है, ऐसे मन के अंदर ख्याल आने चाहिए। यदि आपके मन के अंदर ऐसे ख्याल आएंगे तो आप आराम से दौड़ कर दोगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, दौड़ आपकी आराम से हो जाएगी। आगे चलता हूं, श्याम बोल रहा है, सर ऊंची कूद नहीं हो पाती, क्या करूं, प्लीज हेल्प। तो श्याम मैं आपको बता दूं, ऊंची कूद के लिए कोई ट्रिक नहीं है, ऊंची कूद के लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है, रोजाना प्रैक्टिस करो, ठीक है। यदि आपने रोजाना प्रैक्टिस करी तो आप पे पक्का हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लो, ऊंची कूद भी हो जाएगी, ठीक है। तीन चांस मिलते हैं तो टेंशन मत लो, आप रोजाना प्रैक्टिस जरूर करो, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगी, पहले बता रहा हूं, प्रैक्टिस जारी रखो। आगे चलता हूं, अगला कमेंट है मानसी का, सर फिजिकल कब तक हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर का यही कमेंट आता है कि सर फिजिकल कब तक हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अभी महीना चल रहा है मई का, ये तो गया, ठीक है, जून में भी होने की कोई संभावना नहीं है, तो जून अंत मानकर फिजिकल की तैयारी करो, जुलाई के महीने में पक्का आपके फिजिकल ले लिए जाएंगे। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रह जाता है किसी भी वैकेंसी संबंधित तो कमेंट करके बता देना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।